परीक्षा प्रश्न में। कैसे हैं सभी? कैसे चलिए आप सभी की तैयारी? अभी जब से केवीएस ने कट ऑफ के परसेंटाइल के बारे में बताया है, तब से सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, सर क्या रह सकती है कट ऑफ? रिजल्ट कब आ रहा है? केवीएस के पीआरटी का कब आ रहा है? जेएससी का कब आ रहा है? तमाम ऐसे प्रश्न आपके हमारे सामने आते रहते हैं। और मेरा पहली जो प्राथमिकता है कि आपके इन ऊहापोह की स्थिति को बहुत क्रिस्टल क्लियर किया जाए कि अब आपके कट ऑफ क्या बन रहे हैं। स्कोर मैटर करेगा या परसेंटाइल मैटर करेगी या दोनों ही मैटर करेंगे? और अगर मैटर कर रहे तो कितना स्कोर होना चाहिए, कितना परसेंटाइल होना चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। तमाम टीचिंग एग्जाम के आपकी जो तैयारी है, इवन नॉन टीचिंग एग्जाम की भी सारी तैयारी आपकी टीम परीक्षा पास बहुत विधिवत तरीके से कराती है। तो इस वीडियो में बाकी सारी चीजें हम लोग समझते हैं कि केवीएस का कट ऑफ क्या रहेगा। अब देखिए, जैसा कि केवीएस ने एक जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि ये परसेंटाइल आधार पे करेगा, और वो भी सारे एग्जाम का नहीं, ऐसे जो मल्टीपल शिफ्ट में हुए हैं। मल्टीपल शिफ्ट में कौन सा हुआ? पीआरटी हुआ। कब से हुआ? लगभग कम से कम सात सात दिन उसका पेपर चला, और 21 से लेकर 28 के बीच में अगर आप देखो तो 7 दिन पेपर था, और प्रत्येक दिन दो शिफ्ट में पेपर थे, मतलब टोटल 14 शिफ्ट में जो पेपर था वो किसका था? आपका केवीएस के पीआरटी का था। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करते हैं, केवीएस के जेएससी की बात करते हैं, तो वो भी जो पेपर था वो 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में 4 दिन पेपर हुआ, और प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, मतलब टोटल 8 शिफ्ट में पेपर हुआ। तो एक जहां पे केवीएस पीआरटी की बात करें जहां 14 शिफ्ट में हो रहा है, दूसरा 8 शिफ्ट में हो रहा है, तो इन्हें हम लोग मल्टीपल शिफ्ट के अंदर लेके आएंगे। और इसके क्या करेगा, जो केवीएस आता है वो परसेंटाइल मेथड से आपका नॉर्मलाइजेशन करेगा। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो परसेंटाइल मेथड के हिसाब से होगा। कैसे होगा इस चीज को समझते हैं। पहले समझते हैं कि परसेंटाइल होता क्या है, परसेंटाइल मेथड क्या है, इस चीज को समझते हैं। परसेंटाइल और कुछ नहीं होता, जैसे आप परसेंटेज समझते हो तो परसेंटेज आपको कंपेयर करता है रियल वैल्यू में, परसेंटाइल आपको करता है रैंक पे। परसेंटाइल ये बताता है, सपोज करो कि किसी का 80 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, तो 80 परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि वह बच्चा 80% लोगों से ऊपर है, मतलब उसके ऊपर केवल 20% लोग हैं, बाकी सारे लोग उससे नीचे हैं, 80% लोग उससे नीचे हैं। या अगर नीचे से काउंट किया जाए तो उसकी पोजीशन कहां पे है? ऊपर, 80% पे जाके बनती है, 80% लोग उसके नीचे आते हैं, ये रैंक बताता है, 80 परसेंटाइल का मतलब। अब ये फॉर्मूला आपके केवीएस के इंटरव्यू में जो शॉर्ट लिस्टिंग होनी है उसके लिए कट ऑफ कैसे डिसाइड करेगा, कैसे परसेंटाइल बनेगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। जनरली जो आप लोग नॉर्मलाइजेशन शब्द समझते हो बच्चों, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन आप ऐसे समझो कि जैसे बहुत सारे एग्जाम में जो सिविल सर्विस है उन्हें स्केलिंग बोला जाता था, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अलग अलग शिफ्ट के जो हार्ड लेवल है या अलग अलग शिफ्ट जो डिफिकल्टी लेवल है उनको एक बराबर करने का तरीका। क्योंकि क्या होता है कि जब 14 शिफ्ट में पेपर होते हैं और आपके पेपर में अगर देखा जाए तो 180 क्वेश्चन था, कितने थे? 180 क्वेश्चन थे, और 180 क्वेश्चन में के लिए 14 शिफ्ट अगर बनाया गया है, 14 शिफ्ट के लिए पेपर बनाए गए, ये तो 14 शिफ्ट के वो पेपर थे जो आपको मिल गए। ऐसे भी हैं इनके अलावा बैकअप में भी इतने ही शिफ्ट के पेपर रखे जाते हैं, मतलब कम से कम 10 शिफ्ट भर के पेपर और भी क्या रखे जाते हैं, बैकअप में रखे जाते हैं कि इन केस कहीं पेपर में कोई गड़बड़ी हो गई या फिर कहीं चीटिंग हो गई या पेपर आउट हो गया तो तुरंत वो कैंसिल करके दोबारा पेपर कंडक्ट करवा लिया जाए, जिसमें महीनों भर का समय ना जाए, तो बैकअप में भी उतने ही शिफ्ट का क्या होता है, पेपर बनवाया जाता है। अब अगर 14 शिफ्ट में है और एक शिफ्ट में 180 क्वेश्चन है तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि लगभग 22,000 से ज्यादा क्वेश्चन यहां पे क्या होगा, 22 से 25,000 से ज्यादा क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, वो भी जो एग्जाम कंडक्ट करवाए, और उसके बाद जो बैकअप का भी है। तो ओवरऑल ले लिया जाए तो ओवरऑल लेने में किसी भी एजेंसी को लगभग 50,000 क्वेश्चन तैयार करने पड़ते हैं, और इन 50,000 क्वेश्चन में फिर आप समझो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, क्योंकि 50,000 यूनिक क्वेश्चन बना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो या तो वो प्रीवियस से कुछ उठाएंगे, या तो किसी दूसरे आयोग के द्वारा कराए गए पेपर से उठाएंगे, या फिर फेर बदल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाकी शिफ्ट में भी केवल डिजिट चेंज करेंगे, बाकी चीजें वैसे ही रखेंगे। इस कारण से 50,000 यूनिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अगर यूनिक क्वेश्चन की बात किया जाए तो 5 से 7 हजार ही यूनिक क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सब रिपीटेड होते हैं। और रिपीटेड होने से होता क्या है कि सपोज करो कि किसी बच्चे का 21 तारीख के प्रथम पाली में फर्स्ट शिफ्ट में उसका पेपर पड़ गया, वो पेपर देके आया,
मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 180 के 180 क्वेश्चन बच्चे को याद रहेगा, लेकिन उसे फिर भी थोड़ा बहुत तो उसको ये रहेगा, हाँ भाई ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आजकल के समय में जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है या शिक्षा जगत में खासकर जब यूट्यूब चैनल इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं तो एनालिसिस बहुत ज्यादा लोग कराने लगते हैं, और जब एनालिसिस कराते हैं तो पहले शिफ्ट में कैसे पेपर आ रहा है, क्या पूछ रहा है, हम लोग भी कराए थे, ऐसी बात नहीं है, सभी कराते हैं, तो उस एनालिसिस में क्या होता है बाकी बाद के शिफ्ट वालों को बच्चों को पता चल जाता है कि पेपर किस प्रकार आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 4-5 दिन में वो बहुत कुछ पढ़ लेंगे, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पर्टिकुलर उन टॉपिक को पढ़ के स्कोर बढ़ाया जा सकता है, या और कुछ नहीं तो जो एग्जाम का टेम्परामेंट होता है उसमें आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, उससे ज्यादा तो नहीं बट 5, 7, 10 या 12 मैक्सिमम 12 से 15 का स्कोर का इजाफा हो जाता है। लेकिन 12 से 15 का भी इजाफा जिसमें नॉन निगेटिव है उसमें बहुत बड़ा इजाफा इसे बोला जाता है, और इसमें बहुत सारे अगर इसे नॉर्मलाइज ना किया जाए तो बहुत सारे लोगों का जिनके फर्स्ट शिफ्ट में या पहले दिन पड़ जाता है उनका तो कभी सिलेक्शन ही ना हो, क्योंकि बाद वालों के स्कोर हमेशा ज्यादा होते हैं। तो इस चीज को हटाने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। और परसेंटाइल मेथड क्या होता है इस चीज को हम लोग समझते हैं। परसेंटाइल मेथड को समझने के लिए हम लोग दो केस लेके चलेंगे, और उस दो केस के बदौलत हम लोग को चीजें अच्छे समझ में आएंगी कि आखिर क्या है ये केस। हम लोग इस पे डिसाइड करते हैं कि आखिर कितने फॉर्म टोटल पड़े हैं। अगर आप में वो ध्यान होगा तो केवीएस का जो पहले फॉर्म की डेट थी लास्ट 26 दिसंबर थी, 26-27 दिसंबर, उसके बाद इसे बढ़ाया गया था तो 7-8 जनवरी तक था। जिस समय तक आपका जब केवीएस का 26 दिसंबर तक था तब तक फॉर्म जो था लगभग टीजीटी और पीआरटी का एक साथ ही डेटा आया था, लगभग 9 से 10 लाख की बात हो रही थी, बट बाद में 2-3 लाख के फॉर्म और पड़े थे। मतलब ओवरऑल अगर हम केवल देख ले कि पीआरटी की बात करें तो उसमें कम से कम 6 लाख मिनिमम और 7 लाख, 7 लाख तो मैं मैक्सिमम लेके चलूंगा, 7 लाख का केस है नहीं, फिर भी मैं एक केस लेके चलता हूं क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है और ना ही आरटीआई का रिप्लाई अभी तक आ पाया है, तो इस कारण से मैं ये लेके चलता हूं एक केस 6 लाख का, एक केस 7 लाख का, इसके बीच की वैल्यू कोई है ये भी तय है, एग्जैक्ट क्या है नहीं पता। ये भी आपको पता है कि जो टोटल वैकेंसी थी वो 6414 वैकेंसी थी। अब परसेंटाइल मेथड में होता क्या है, परसेंटाइल मेथड में जब रैंक डिसाइड करता है तो ये किया जाता है कि भाई 14 शिफ्ट में था, 14 शिफ्ट में टोटल क्या हुआ है, पेपर हुआ है। अब समझ लो उन्हें कितने बच्चों को लेना है, इसको समझते हुए चलो पहले। हाँ, अगर 14 शिफ्ट में पेपर हुआ है, एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा, ठीक है समझाते हैं। 14 शिफ्ट में अगर आपके पेपर हुए हैं और टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 6414 है। ये जो आपका कट ऑफ डिसाइड हो रहा है ये उनके लिए डिसाइड हो रहा है जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए और मॉक टीचिंग के लिए, तो 6414 का लगभग 3 गुना, क्योंकि अभी प्रिंसिपल वगैरह में क्या आया था, इंटरव्यू का आया था, हम अभी 3 गुना ही लेके चलेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें मॉक टीचिंग का है तो ऐसा केस हो सकता है कि 5 गुना भी बुला लिए जाए, बट 3 गुना क्या है ज्यादा सही केस है, इसलिए हम इसको लेके चलेंगे। तो 6414 मतलब इतने बच्चे टोटल बुलाए जाएंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये मान के चलो टोटल 19,242 बच्चे क्या होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे किसके लिए, इंटरव्यू के लिए और मॉक टीचिंग के लिए। अब 19,242 केवल एक शिफ्ट से तो बुला नहीं ले जाएंगे, इसे क्या किया जाएगा भाई, जब 14 शिफ्ट में हुआ है तो सभी शिफ्ट से बराबर बराबर बच्चों को बुलाओ, तो टोटल 14 शिफ्ट हुआ है, इस कारण से हम इसमें 14 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो जो हमारा आएगा वो लगभग 1375। ये किस केस पे बन रहा है, जब मान के चलते हैं कि 6 लाख फॉर्म पड़े हो, हालांकि अगर 6 लाख फॉर्म पड़े होंगे तो 10-20% बच्चे अब्सेंट ही होते हैं, मान के चलो तो 5 लाख के बच्चे क्या होंगे उसमें प्रेजेंट रहेंगे, पेपर दिए होंगे। ऐसे अगर 7 लाख अगर फॉर्म पड़े होंगे तो 6 लाख ही बच्चे दिए होंगे, और 8 लाख फॉर्म पड़े होंगे तो 7 लाख ही बच्चे क्या दिए होंगे, एग्जाम दिए होंगे। तो ये हम फिर भी वर्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं कि भाई अगर 6 लाख फॉर्म पड़े, 6 का 6 लाख भी बच्चे क्या दे दिए, पेपर दे दिए, बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए जो हमारा फाइनल फिगर आएगा उससे हम थोड़ा सा रिलैक्स बाद में कर देंगे, थोड़ा सा वेट करिए। तो 1375 बच्चे क्या हुए, प्रत्येक शिफ्ट से बुलाए जाएंगे, मतलब अगर एक शिफ्ट से 1375 बच्चे बुलाए गए और 14 शिफ्ट में ऐसे हुए तो टोटल 19,242 बच्चे हो गए, और ये इस वैकेंसी के कितने हो गए, 3 गुना हो गए। मैं पीआरटी की बात करूं, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब क्या है कि अगर हम ये देखें कि प्रत्येक शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं, तो भाई हम मान के चलते हैं कि 6 लाख बच्चे बैठे और एक शिफ्ट का निकालना है तो बटे 14 कर देंगे, तो 42,857 बच्चे प्रत्येक शिफ्ट में बैठे। अब यहां के बाद आता है परसेंटाइल, परसेंटाइल कहता है रैंक, वो कहते हैं हम टॉप 1375 बच्चे को ही लेंगे, इसका मतलब वो रैंक 1 से लेकर रैंक 1375 को ले लिया, तो इसके लिए कहता है फिर हम करें क्या, कहता है हम परसेंटाइल बना लो सबका। कैसे परसेंटाइल बना लो भाई, टोटल जो 1375वां बच्चा होगा
इसके नीचे कितने बच्चे होंगे, इसके नीचे टोटल 42,800, 42,857 में से कितना माइनस कर दिया जाए, अगर 42,857 में से 1375 माइनस कर दिया जाएगा तो वो बच्चे आ जाएंगे जो 1375 के नीचे है। मतलब अगर यहां पे फिगर देखा जाए तो वो जो फिगर है वो 41,482 बच्चे ऐसे हैं जो क्या है इस 1375 बच्चे के नीचे। तो 1375वें बच्चे की रैंक क्या बनेगी, परसेंटाइल क्या बनेगा, 41,482 बटे 42,857, और अगर गुणे 100 लगा देंगे तो ये परसेंटाइल आ जाएगा, मतलब 96.79%। मतलब प्रत्येक शिफ्ट से 96.79% वाले बच्चे क्या किए जाएंगे, बुलाए जाएंगे। अब ये लग रहा होगा यार कितना ज्यादा बुला लिया गया, इतना हाई कैसे हो सकता है, किसी एग्जाम में इतना तो नहीं जाता। पहली बात तो बता दूं, बच्चे परसेंट नहीं है, परसेंटाइल है। ऐसा संभव है, ऐसा बिल्कुल संभव है क्या कि किसी बच्चे का, किसी बच्चे का 180 में से, किसी बच्चे का 180 में से 120 नंबर पे ही आपका 96% बन जाए, जो थोड़ा सा मॉडरेट शिफ्ट रहा हो, किस कोई बहुत आसान शिफ्ट रहा हो तो हो सकता है 180 में से 150 नंबर पे परसेंटाइल बन जाए, और कोई बहुत बहुत टफ शिफ्ट रहा हो तो हो सकता है कि किसी 180 में से 100 नंबर पे ही क्या परसेंटाइल बन जाए, 96.7% बन जाए। तो ये परसेंटाइल इस बच्चे का भी बन सकता है, ये परसेंटाइल इस बच्चे का भी बन सकता है, ये परसेंटाइल इस बच्चे का भी बन सकता है। मतलब 120 वाला बच्चा भी, 150 वाला बच्चा भी, 100 वाला बच्चा भी, ये तीनों ही क्या हो सकते हैं, शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि वो जिस शिफ्ट में था उसका एवरेज क्या है, उसकी रैंक क्या है अपने शिफ्ट में। बात समझ में आ रही है? तो अब मैटर स्कोर नहीं कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है कि आपकी रैंक कितनी है और उस रैंक के हिसाब से आपका क्या होगा। तो ये जो हम केस लेके चल रहे हैं, ये लेके चलने की हाईएस्ट का होगा, फिर भी 96.79 में अगर हम लेके चले कि थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा तो 95% मान के चलिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं किसकी बात करूं, ऐसे ही मैं बात करूं कि केस टू का, तो वो सेम आपका कैलकुलेशन आएगा और इसमें बस क्या हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। तो 7 लाख को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लाख में से अगर बटे 14 करेंगे तो प्रत्येक शिफ्ट में 50,000 बच्चे आएंगे, और 50,000 में से 1375 माइनस कर देंगे तो 48,625, 48,625 बच्चे की रैंक कितनी आएगी, 97.25% आएगी। थोड़ा सा रिलैक्स अगर इसमें भी दे दे तो हमारा कितना आएगा, 96%। मतलब कि अगर आप मोटा मोटा लेके चलो तो हो सकता है कि आपका क्या हो, 95% से लेके कितना, 95% से लेके 96% के बीच में। ये मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, परसेंटाइल की बात कर रहा हूं, ना कि परसेंटेज की बात कर रहा हूं। स्कोर कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या स्कोर पे नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं या रॉ स्कोर पे ही छोड़ देते हैं, ये डिपेंड करेगा केवीएस पे। अभी उम्मीद यही जता रही है कि जो स्कोर होगा उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपका कोई मार्क्स नहीं दिखा, मार्क्स बाद में भले दिखाया जाए बट आपका जो रिजल्ट आएगा वो सीधा आपका नाम आएगा, रोल नंबर आएगा और सीधा परसेंटाइल इतना पाए उसके हिसाब से आप शॉर्टलिस्ट कर लिए जाओगे। सेम आपका क्या होगा, सेम आपका केवीएस के पीआरटी में है, सेम आपका केवीएस के जीएससी में होगा, और सेम आपका क्या होगा, लाइब्रेरी पे होगा। तो ये तो मैंने पीआरटी पे डिटेल कर दिया है, जीएससी में कुछ मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ कि कितने फॉर्म पड़े हैं, कितने बच्चे प्रत्येक शिफ्ट में है, उसके हिसाब से मैं आपको वो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा जीएससी के लिए। तो जीएससी वाले बच्चे भी थोड़ा सा इंतजार कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें पता लग जाए। बाकी पीआरटी वाले बच्चे आपका जो परसेंटाइल होगा वो 95 से 96 के आसपास होगा। अब ये मैं एग्जैक्ट तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ, एग्जैक्ट नहीं, ये मेरी जो कैलकुलेशन है, बाकी सब कुछ डिपेंड करता है कि टोटल फॉर्म कितने पड़े, और इससे भी ज्यादा डिपेंड करता है कि कितने बच्चे प्रत्येक शिफ्ट में बैठे हैं। तो मेन जो कैलकुलेशन आएगी वो तब पता चलेगा जब प्रत्येक शिफ्ट में टोटल अपेयर्ड बच्चों की संख्या पता चलेगी, वरना मैं क्या ब्रह्मा भी नहीं पता लगा पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने हित मित्र नातेदारों के बीच में शेयर भी करिएगा, साथ में ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और करिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।